नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार में नीतीश कुमार और मोदी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, उसके बाद अब दोनों के बीच की नज़दीकियां धीरे धीरे और बढ़ती चली जा रही हैं। यानी कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की ओर एक बार फिर से अपना रुख कर सकते हैं, इसकी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। ना सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं, बल्कि तमाम राजनीतिक गलियारे में जाइएगा अगर आप, तो इस बात का कानाफूसी शुरू हो गया है कि क्या नीतीश एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम सकते हैं। वजह इंडिया गठबंधन में इंडिया नाम को लेकर, वजह सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अभी तक कोई बातचीत ना होना, वजह नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से धीरे धीरे साइड करना। इतना ही नहीं, जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई है उस पर अब इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। इंडिया गठबंधन में एक तरफ बड़ा घमासान मचा हुआ है कि नीतीश कुमार अगर अलग हो जाएंगे तो क्या इंडिया गठबंधन यूपीए में बदल जाएगा। इसकी चर्चा हम भी खूब अपने विश्लेषण में कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने नींव रखी थी इंडिया गठबंधन की पटना में, और उन्हीं नीतीश कुमार को आखिरकार क्यों लालू और कांग्रेस से मिलकर साइड कर दिया, क्यों नीतीश कुमार को कोई बड़ा जिम्मेदारी नहीं दी गई, क्यों नीतीश कुमार को जो संयोजक बनाया जाना था उस पर चर्चा नहीं होती है। ऐसे में जिस इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार हैं, उन्हीं नीतीश कुमार को क्यों अलग किया जा रहा है, इस पर चर्चाएं देश भर में खूब हो रही है। इधर नीतीश और मोदी की मुलाकात ने अब तमाम जो कयास है उस पर कहीं ना कहीं विराम अमित शाह के द्वारा कल लग गया है, जब उन्होंने खुलेआम मंच से नीतीश को न्योता दे दिया। और अब देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के मौके पर जहां पूरा बीजेपी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगा हुआ है, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कार्यक्रम नरेंद्र मोदी खुद आज करने वाले हैं, एक बड़ा अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। इधर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दे दी है। नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए नीतीश कुमार लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामना, उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी को जन्मदिन का बधाई देना इस बात का इशारा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी से नीतीश की नज़दीकियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तमाम अब कहेंगे कि भाई जन्मदिन का बात है तो बधाई तो देंगे ही, लेकिन नहीं, नीतीश कुमार बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन की बधाइयां मिलना कहीं ना कहीं, पिछले साल आप याद कीजिए, पिछले साल जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो क्या उन्होंने, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी थी क्या? तभी इस बात की चर्चा की गई थी, नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जन्मदिन का बधाई देना कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से ये इशारा कर रहा है कि नीतीश और मोदी के बीच का संवाद बढ़ता चला जा रहा है। तमाम विषयों पर लगातार चर्चाएं होंगी, लेकिन जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं तो इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। देखते रहिए भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।